नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारी यूट्यूब चेनल नी अंदर। धोरण 9 नी अंदर हिंदी विषय में घणा बधा प्रश्न जवाबना विडियोज है ये चेनल पर मुकाता रहता होय छे, जेमां तमने काव्य अने पाठने लगता घणा बधा प्रश्न जवाब है उपयोगी पण थता होय छे। तो जे नवा विद्यार्थीओ छे जेमने चेनलने सब्सक्राइब न करी पहेला चेनलने जई अने ऊपर सब्सक्राइब बटन छे ए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करी दियो, साथे बाजुमां बेल आइकन पर छे एना उपर क्लिक करी दियो, जेथी करीने नवा नवा जेटला विडियोज मुकाई जवा ની નોટિફિકેશન તમને સૌપ્રથમ જોવા મળશે અને એ દ્વારા તમે એ વિડીયોઝ છે તાત્કાલિક જોઈ શકશો। સાથે ચેનલમાં બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ મૂક્યા ગયા છે, ઉપર તમે ચેનલમાં જશો તે તમને જોવા મળશે, વિડીયોઝ સેક્શનમાં તો જોવા મળે જ છે, સાથે પ્લેલિસ્ટમાં પણ જોવા મળે છે। તો પ્લેલિસ્ટમાં સ્ટાન્ડર્ડ 9નું હિન્દીનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, એમાં બીજા ઘણા બધા વિડીયોઝ છે। તો કાવ્ય 20 છે ધરતી કિસાન, એ કાવ્યનો પ્રકાર છે પદ્ય અને કાવ્ય આપેલું છે પંડિત ભરત વ્યાસે। आ काव्यने लगता जो कई स्वाध्याय प्रश्नोत्तर है ये प्रश्नों की अपने चर्चा करवाना है। तो विडियो अंत सुधी जोजो, विडियो गमे तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो और साथ तमारा मित्रों ने विडियो जरूर शेयर करजो, जेथी करीने एमने पण आ विडियो द्वारा माहिती मळे, स्वाध्याय प्रश्न तरीके तो उपयोगी थाय ज छे। तो आवा अलग अलग प्रश्न जता है ये आवनारी परीक्षा में घणी वखते मोस्ट टाइम भी प्रश्न तरीके पूछाई जता होय छे, तो एना माटे पण उपयोगी थशे। जोता जाए प्रश्न जवाब। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहला वाला है, धरती की शान कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है और कैसे? तो उसका उत्तर लिख सकते हैं, कवि ने कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को जोड़ भी सकता है। मनुष्य पावन सा गतिमान है, इसलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़न भरने में समर्थ है। दूसरा प्रश्न है, धरती की शान कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो उसका उत्तर है, धरती की शान कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है, उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अजर अमर प्राणी है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को पहचान कर कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। तीसरा वाला प्रश्न है, धरती की शान से कविता का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर है, धरती की शान से कविता कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां है। मनुष्य ने अपने बुद्धिबल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है, इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उसमें उत्तर लिख सकते हैं, मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है, वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, वह चाहे तो काल को भी रोक सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। पांचवा प्रश्न है, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर है, धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई है। मनुष्य अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता, इसलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है, उसकी आवाज़ युग बदल सकती है, वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहला वाला है, मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है? उसका उत्तर है, मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए उसके प्राणों को अमरता का वरदान मिला है। दूसरा वाला है कवि ने पृथ्वी के लाल से क्या कहा है, तो उसका उत्तर है कवि ने मनुष्य को पृथ्वी का लाल कहा है। कवि उससे कहता है तेरे अंदर बहुत सी शक्तियाँ हैं जिनका तुझे ज्ञान होना चाहिए। तीसरा वाला है हिम्मत से काम लेने पर मनुष्य क्या कर सकता है, उसका उत्तर है मनुष्य अगर हिम्मत से काम ले तो धरती पर फैल रहे पापों के प्रलय को रोक सकता है, उसके सामने पशुता भी अपना सिर झुका सकती है। तीसरा वाला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला है कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है, उसका उत्तर है कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। दूसरा वाला है आप क्या क्या कर सकते हैं, उसका उत्तर है एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अच्छे से अच्छा इंसान बनकर वे सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्यक्षेत्र में आते हैं। तीसरा वाला है अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है, उसका उत्तर है अन्य जीवों से मनुष्य महान है। अन्य जीव सब अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया है। चौथा वाला है मनुष्य किससे क्या निचोड़ सकता है, उसका उत्तर है मनुष्य चाहे तो मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। पांचवा वाला है मनुष्य किससे किसको जोड़ सकता है, उसका उत्तर है मनुष्य चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। छठा वाला है मनुष्य किस पर विजय पा सकता है, उसका उत्तर है मनुष्य पाप और पशुता पर विजय पा सकता है। उसके बाद सातवां वाला है मनुष्य की भ्रुकुटी में क्या छिपा है, उसका उत्तर है मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल छिपा है। आठवां वाला है कवि मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहता है, उसका उत्तर है कवि मनुष्य को अपनी छिपी शक्ति या पहचानने के लिए कहता है। नौवां वाला है मनुष्य की वाणी में किसका आह्वान है, उसका उत्तर है मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। दसवां वाला है मनुष्य चाहे तो किसे थाम सकता है, उसका उत्तर है मनुष्य चाहे तो काल को भी थाम सकता है। ग्यारहवां वाला है धरतीसा धीर किसे कहा गया है, उसका उत्तर है धरतीसा धीर मनुष्य को कहा गया है। बारहवां है धरती की शान कविता के रचयिता कौन है, उसका उत्तर है धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है गुरु शाह मतिमान पवन शाह तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, उसका उत्तर है मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है, उसके पास बृहस्पति जैसे प्रतिभा है, वह वायु जैसी गति रखता है, वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है। कवि कहना चाहता है कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरा वाला है धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं कि प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हुई है, वह अपने आप में तूफान जैसी शक्ति रखता है, वह चाहे तो उसकी उपलब्धियाँ धरती का गौरव बन सकती है। उसके बाद पांचवा प्रश्न होता है काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, जिसमें पहला वाला है धरती से मान है वहाँ तक की काव्य पंक्ति लिखनी है, तो उसका उत्तर लिख सकते हैं धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। और उसके बाद दूसरा आता है तू जो से उड़ान है रे वहाँ तक का, उसका उत्तर लिख सकते हैं तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नब्ज से भी ऊंची उड़ान है रे। तो विद्यार्थी मित्रों आता अलग अलग काव्य न लगता स्वाध्यायना प्रश्न जवाब વિડિયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સાથે તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરજો, જેથી કરીને આવા મોસ્ટ ઓફ પ્રશ્નો ઘણી વખતે આમાંથી પણ પૂછાઈ જતા હોય છે, સ્વાધ્યાયમાંથી એ પણ ઉપયોગી થાય। સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરી નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એમની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમને જોવા મળે। સાથે चैनल में बीजा पण घणा बधा विडियोस मुकाई गया है, तो ये न जोई लो तो ये पण तमे जोई लो। ऊपर प्लेलिस्ट में जाशो त्यां तमने नीचे स्टैंडर्ड 9 हिंदीनो प्लेलिस्ट जोवा मळशे, एमां बीजा पाठ अने काव्यने लगता घणा बधा विडियोस छे। आ काव्यना बीजा हेतुलक्षी प्रश्न तराई है, अन्य विडियोज है न जो तो ये जो लो ना प्रश्न है हेतुलक्षी प्रश्नों व्याकरणलक्षी प्रश्नों ए न जोएलो तो जोई लेजो बराबर। फरी पाछा नवा विडियो साथ मळीशुं, त्यां सुधी तमारी काळजी राखजो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।